होता है कि पार्वती का दिल करता है नहाने का, और पार्वती नहा रही होती हैं और वो अपने जिस्म को रगड़ती हैं, तो उसमें से मट्टी जो है वो जमीन पर गिर और वहां पे वो एक लड़का पैदा हो जाता है, जिसको देखकर पार्वती खुश हो जाती हैं कि अरे वाह, ये तो मेरा अपना है, मेरा अपना तो मुझे छोड़ गया, ये तो वो है जो मेरे जिस्म से निकला है, मेरी मट्टी से निकला। ये जो पुराण की जो कहानी है, उटपटांग कहानी, अटपटा सा लगता है। क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा हुआ था? पार्वती इतना मैल डोलने वाली और अपने मैल से ये बच्चा बनाने वाली? तो वहां पर सर कटते ही कोई रहम की बात नहीं हुई। शिव ने अपनी बीवी को क्या कहा? ओ प्राउड वुमेन, लिसन, यू शैल नॉट कास्ट ऑफ योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। कि ए घमंडी औरत, तू अपना अभिमान और अपना ये जो ईगो है और अपना जो मान है, ये तुम अब नहीं जाहिर कर सकती, क्योंकि मैंने तेरे बेटे को मार दिया है। आगे से कहता है, तुम हमेशा ही झगड़ों की तलाश करती हो, तुम उसकी पसंद रखती हो, तुम हर वक्त लड़ना झगड़ना पसंद करती हो, सो यहां से चली जाओ। यानी तेरे बच्चे को मार भी दिया है और तो तेरा सारा अभिमान भी मैंने खराब कर दिया है। भगवान कैसे कहोगे तुम्हारे इस तरह का जो जुल्म करने वालों को, उनमें इतना ये असहनशीलता थी क्या? किसी ने बोला तुम रुको अभी, तो उनको रोकने के लिए भी मना करे? इतना अहंकारी था सदाशिव, ताकि वो बच्चा है वो कह रहा है रुको मैं अभी नहीं जाने दूंगा, तो उसका सिर काट दे। त्रिकाल ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला ईश्वर को ये नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा है, पार्वती का बेटा है? मान लो आपको कोई गार्ड कहीं रोकता हो तो आप उसका सिर काट दोगे? चाहे आप ही के घर का गार्ड क्यों ना हो। माने शिव इतना क्रोधी, असहनशील, अज्ञानी। शिवा कहते हैं, वट एवर पर्सन यू मीट एट फर्स्ट एंड यू कट ऑफ हिज हेड एंड फिट इनटू दिस बॉडी, सर काट कर ले आओ, सर तन से जुदा करके ले आओ। भगवान कैसे कहोगे तुम्हारे इस तरह का जो जुल्म करने वालों को। ठीक का बच्चा उनको मिलता है जो कि रास्ते में होता है, अब उसकी भी माँ होगी, लेकिन वो बेचारा अबैंडन था या उनको रास्ते में मिल गया। इन्होंने बगैर कोई जान पहचान करते हुए उस हाथी के बच्चे का सर काट दिया, फिर गणेश के सर के ऊपर जो है वो लगाने के लिए ले आए। अच्छा, बच्चा का शरीर छोटा है, हाथी का सिर इतना बड़ा है, उसके ऊपर हाथी का सिर रखा, किसी को कोई इसका माप तोल का मापदंड का कोई ज्ञान ही नहीं होगा, या बदला लेने के लिए किया होगा इतना शिवजी ने किया हो। पूरे रेफरेंस में मौजूद है कि ये चूहे के ऊपर इतना बड़ा हाथी, अब लॉजिकली आप सोचें कि क्या आप लोगों को समझ आता है कि इतना बड़ा हाथी छोटे से चूहे के ऊपर सवारी करता है और इसको सनातनी एक्सेप्ट भी करते हैं। इस सब कहानी को ले ले करके हिंदू धर्म की खूब पिटाई करते हैं। चूहे पर कभी चढ़ नहीं सकता है तो उसका वाहन दिया चूहा, इतने से चूहे के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर इतना बड़ा सिर, चूहा उनका वाहन यदि शिवजी ने दिया है तो कितना क्रूर कठोर होंगे तुम्हारे भगवान। भगवान कैसे कहोगे तुम्हारे इस तरह का जो जुल्म करने वालों को।